हमीरपुर जनपद में शहरों से गांव में लौट रहे लोग, गांव में कोरोना की दहशत बढ़ी। आपको बता दें, मामला है जनपद हमीरपुर के कस्बा कुरारा क्षेत्र के। बता दें जहां कोरोना वायरस संक्रमण की दहशत कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जोरों पर फैल रही है। शहरों से नौकरी पर लौट रहे ग्रामीणों की बीमारी से ग्रसित लोगों के भय महसूस कर रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय बेरी गांव में कोरोना वायरस की दहशत को दूर करने के लिए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ब्रह्मनारायण त्रिपाठी व उनके सहयोगी गणों द्वारा लोगों के द्वारा अपील की जा रही है तथा लाउड स्पीकर लगवाकर गांव की गलियों में कर रहे हैं लोगों को जागरूक। इस साथ ही बता दें कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका करवा रहे हैं कोरोना टेस्ट। ये एक वैश्विक महामारी है, इसके बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियां, अनेक प्रकार के अफवाहें लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। कोरोना जैसे एक बहुत ही बड़ी बीमारी को लोग बड़े हल्के से ले रहे हैं। ये मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसी स्थिति में हमने इसके रोकथाम के लिए लगातार हम अपील कर रहे हैं, ट्रैक्टर में लगा करके पूरे गांव में एक मुनादी जैसी कराई जा रही है। पूरे गांव में चारों तरफ स्वयं घूम घूम करके लोगों को जो सर बाहर से कर रहे हैं, जो बाहर से जैसे आ रहे हैं शहरों से, अन्य शहरों से आ रहे हैं, उनके लिए रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था? जो जिले के बाहर से आ रहे हैं, प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं, ऐसे लोगों के पास हम स्वयं जा करके उनके बारे में पूरी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उनको कह दिया गया है कि आप एक सप्ताह तक बिल्कुल अकेले में रहेंगे, किसी भी व्यक्ति को ना तो आप छुएंगे ना कोई भी व्यक्ति आपको छुएगा। यदि आपको सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी अथवा सांस लेने में किसी भी प्रकार की आपको असुविधा हो रही हो तो तुरंत डायल 108 में आप तत्काल सूचना दीजिए। आप कोई बाहर का व्यक्ति आ जाता है और उस व्यक्ति के आने के बाद में आप उसकी जानकारी को छिपा लेते हैं तो ये गैरकानूनी है और ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गांव के बाहर से आए, बीमारी से ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति को आप तत्काल प्रधान को सूचित करिए, प्रशासन को सूचित करिए, तत्काल इलाज कराइए, बीमारी को छिपाइए मत। बीमारी छिपाएंगे तो बीमारी और बढ़ेगी और इस बीमारी को समाप्त करने के लिए आपको घरों के अंदर रहना पड़ेगा। घरों के अंदर आप बंद रहेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका समाज भी सुरक्षित रहेगा और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा।